पार्लियामेंट इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ आवर डेमोक्रेसी एंड वी आर रिप्रेजेंटेड इन इट। इसमें हम लोग रिप्रेजेंट किए जाते हैं, रिप्रेजेंट होते हैं, बट हाउ, कैसे? थ्रू आवर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, थ्रू आवर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, यानी हमारे जो जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्हीं के माध्यम से हम भी वहां पर दिखते हैं। क्यों? बिकॉज हम ही ने तो उनको क्या किया है, इलेक्ट किया हुआ है, हमने ही तो अपने लोगों को इलेक्ट किया हुआ है ना। अब वो पर्सन वहां पर वर्क कर रहे हैं, तो इट सपोज इट एज्यूम दैट यू आर, आप क्या सकते हैं, आप यू आर विजिबल इन, आप विजिबल हैं कहां पर, पार्लियामेंट, यानी इंडिया के जितने भी लोग हैं, इंडिया ऑल पीपल्स है ना, हु आर लिविंग द कंट्री है ना, दैट विल बी विजिबल इन द पार्लियामेंट। बट हाउ, किस तरह से, इलेक्टेड थ्रू अ इलेक्टेड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है ना, इलेक्टेड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से सभी लोग वहां विजिबल होते हैं, दिखते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई होगी, क्योंकि हमारे ही मेंबर वहां पे जाके सारा डिसीजन लेते हैं, काम करते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि सारे लोग, क्यों? क्योंकि आफ्टर फाइव ईयर्स अगर वो सही काम नहीं करेंगे तो आफ्टर फाइव ईयर्स आप किसी दूसरे पर्सन को इलेक्ट कर दोगे, तो लास्ट अथॉरिटी किसके पास है? पीपल्स के पास है, आपके पास है। ठीक है, देखिए, नो लॉ एग्जिस्टेड, नो लॉ एग्जिस्टेड टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन एंड इल ट्रीटमेंट। नाउ देयर आर सेवरल दैट वर्क टू सी दैट पीपल आर ट्रीटेड विद अ डिग्निटी एज इक्वल। दिस रिकग्निशन ऑफ इक्वलिटी इंक्लूड सम ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। दिस रिकग्निशन ऑफ इक्वलिटी, और इक्वलिटी का ये जो रिकग्निशन है, इंक्लूड सम ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये इक्वालिटी किस रूप से दिखती है, तो एक क्वेश्चन बनता है, और आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन यही से पूछा जाता है कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी किस रूप में दिखती है, किस तरह से इंक्लूड की गई है। तो आप देखेंगे कि दिस रिकॉग्निशन ऑफ इक्वालिटी इंक्लूड सम ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको अंडरलाइन करेंगे, क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो आपका आंसर यहीं से स्टार्ट होता है। फर्स्ट, पहला आपका आंसर क्या है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी कैसे दिखती है, राइट, किस तरह से। तो देखिए, आप इसमें देखेंगे, फर्स्ट यहां से फर्स्ट में अंडरलाइन करेंगे, फर्स्ट क्या स्टार्ट है यहां से, कि दैट एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ। एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ, मतलब लॉ की नजरों में, कानून की नजरों में एवरी पर्सन क्या है, इक्वल है। व्हाट दिस मींस इज दैट एवरी पर्सन, व्हाट दिस मींस एवरी पर्सन, इस एवरी पर्सन का मतलब क्या हुआ, ये एवरी पर्सन हमने क्या दिया, एवरी पर्सन का मतलब क्या हुआ, तो एवरी पर्सन का मतलब हुआ फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री टू कांता। ये मींस हुआ, एवरी पर्सन का मतलब है कि चाहे कंट्री का प्रेसिडेंट हो, चाहे वो, अभी स्टोरी में आपने कांता के बारे में पढ़ा हो, दोनों क्या है, लॉ के आई में, यानी कि अगर लॉ कानून अपनी नजरों से देखता है, तो चाहे प्रेसिडेंट हो चाहे वो कांता हो, वो इक्वल है। कोई ऐसा नहीं कि अरे ये तो प्रेसिडेंट है, अरे ये तो कांता है, ऐसा नहीं। उसकी नजरों में टू सिटीजन है, दो नागरिक है जो क्या है, बराबर है। अगर दोनों गलत करेंगे तो दोनों को पनिशमेंट मिलेगा। ठीक है, कोई लॉ कानून बनता है तो दोनों के लिए बनता है। यही बात आपकी बुक बता रही है कि फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री टू कांता एज अ डोमेस्टिक वर्कर, चाहे वो कंट्री का कोई प्रेसिडेंट हो चाहे कांता यानी कि डोमेस्टिक वर्कर हो, हैज टू ओबे, उन दोनों को ही ओबे यानी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, सेम द लॉ, और दोनों के लिए क्या है, सेम लॉ है। ये बात उम्मीद है आपको बहुत बेहतर समझ में आ रहा होगा, है ना, बहुत बेहतर समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब संविधान बना था तो कितनी बड़ी बातों का ध्यान दिया गया, कितनी सी बड़ी से बड़ी, यानी चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो चाहे प्रेसिडेंट हो, उनके दिमाग में कभी ये बात ना आ जाए कि अरे हम तो बाकी लोगों से अलग हैं, हमारा रोल अलग है, ऐसा कुछ नहीं कर सकते वो। क्यों? क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, एक रेगुलर इलेक्शन की, फिक्स्ड रेगुलर इलेक्शन की प्रोसेस भी दी गई है। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि इंडिया में एवरी फाइव ईयर्स में क्या होगा, इलेक्शन होगा, एवरी फाइव ईयर्स में क्या होगा, इलेक्शन होगा, और इस इलेक्शन होने की वजह से, बार बार जो फाइव ईयर्स में इलेक्शन होते हैं, इसकी वजह से जिसकी भी गवर्नमेंट बन जाती है उसके दिमाग में डर रहता है, उसके दिमाग में डर रहता है कि इफ आई डू नॉट वर्क वेल, अगर मैंने सही काम नहीं किया तो दैट विल बी क्या हो जाऊंगा, मैं नेक्स्ट वाले जो इलेक्शन होंगे है ना, दैट विल नॉट बी इलेक्टेड, मुझे इलेक्ट नहीं किया जाएगा, है ना। तो पीपल्स विल नॉट बी इलेक्टेड, दोज पीपल्स, या आप कह सकते हैं दोज रिप्रेजेंटेटिव विल नॉट बी इलेक्टेड हु हैव नॉट डन एनी वर्क इन द कंट्री, जिन्होंने कंट्री में कोई वर्क नहीं किया है, दैट विल नॉट बी इलेक्टेड इन द नेक्स्ट इलेक्शन। ये डर रहता है उनके माइंड में, और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है,
दिस इज द मेन पावर. जब आप उनको एहसास कराते हो आफ्टर फाइव ईयर्स में कि आइए काम नहीं किया है ना आपने, है ना, हमने आपको इलेक्ट करके भेजा था, आपने कुछ भी काम नहीं किया है ना, अब वोट मांगने आइए, है ना, तब आप बताते हैं कि ठीक है इस बार जाइए, हम लोग भी देखते हैं कैसे आप लोग चुनाव जीतते हैं, कैसे एमपी बनते हैं, कैसे एमएलए बनते हैं आप. तो जितने भी सारे लोग हैं वो आपस में मिलकर किसी दूसरे पर्सन को इलेक्ट कर देते हैं, वो वहां पे जाके बैठते हैं, वो सरकार बनाते हैं, वो चलाते हैं. क्लियर है? क्लियर हो रहा है? सभी लोग यस सिंबल कर दिया करें. यू आर सभी लोग दिख रहे हैं मुझे, ठीक है? तो आप लोग ऐसे कर देंगे ना तो मुझे पता चल जाएगा कि यस सर, है ना, बता दीजिए कि यस मुझे समझ में आया. अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? ओके ओके, वेरी गुड. फिर देखिए दिस रिकॉग्निशन, ये तो मैंने बता दिया आपको, फर्स्ट में बताया आपको मैंने, है ना, फर्स्ट दैट एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ, ये हो चुका है ना, राइट. अब देखिए सेकंड क्या है, सेकंड में अंडरलाइन करिएगा, अंडरलाइन करिए सेकंड में, सेकंड में अंडरलाइन करिए, नो पर्सन कैन डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ और वेदर दे आर फीमेल और मेल. ये जो बातें आपकी बुक में दी गई है ना, ये डायरेक्ट आंसर दिए गए हैं, ये आज नहीं अभी कुछ दिनों बाद आपको लर्न ही करना है, क्यों ना अभी से ही आप लोग इसको क्लियरली सुने. सेकेंड पॉइंट में आप क्या बताएंगे, सेकेंड में बताएंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है, पता है कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात दी गई है कि नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड. अच्छा ये कहां पे दिया गया है, वही जो मैंने आपको राइट टू इक्वालिटी बताया था ना, राइट टू इक्वालिटी फंडामेंटल राइट जो है आपका, उसी फंडामेंटल राइट में जो राइट टू इक्वालिटी है बिटवीन आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 के बीच में ये सारी बातें दी गई हैं. आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 में आपको ये भी पता हो गया होगा कि हमारे फंडामेंटल राइट्स में दिया गया है कितनी पावर मिली हुई है, ठीक है ना. फंडामेंटल राइट्स का मतलब समझते हैं, मौलिक अधिकार. फंडामेंटल राइट्स का मतलब होता है कि अगर उसका फॉलो नहीं किया किसी ने, कोई गलत कर रहा है आपके साथ, स्टेट ही गलत कर रहा है, मान लीजिए गवर्नमेंट ही आपके साथ गलत कर रही है, सरकार ही आपके साथ, तो आप गवर्नमेंट के खिलाफ भी खड़े हो सकते हैं, आप गवर्नमेंट के खिलाफ भी खड़े हो सकते हैं. और आपकी सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है, आपकी सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है, स्टेट में होगा तो हाई कोर्ट और सेंट्रल में होगा तो सुप्रीम कोर्ट. स्टेट में होगा तो हाई कोर्ट और सेंट्रल में होगा तो सुप्रीम कोर्ट आपके फंडामेंटल राइट्स की सिक्योरिटी लेता है. इस बात को भी कहीं पर नोट कर लीजिएगा, यू शुड नोट अबाउट इट कि आवर फंडामेंटल राइट्स विल बी प्रोटेक्ट, हैव बीन प्रोटेक्ट, क्या कह सकते हैं कि आपकी विल बी प्रोटेक्टेड, किसके द्वारा प्रोटेक्ट किए जाएंगे, बाय हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कोई कोर्ट है तो वो आपके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा, नहीं. किसके द्वारा प्रोटेक्ट किए जाते हैं, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के द्वारा. डायरेक्टली आप वहां जा सकते हैं. अभी जब आपको क्लास 8 में हम कोर्ट के बारे में पढ़ाएंगे, कोर्ट के बारे में, तो वहां पर आपको समझ में आएगा. या आपकी क्लास में अगर आपके बड़े भाई बहन हो जो क्लास 8 में पढ़ रहे हो इस समय, तो वो उनसे पूछिए, उनको जरूर मालूम होगा, ठीक है ना. उनको सुप्रीम कोर्ट के बारे में हमने बताया हुआ है, हाई कोर्ट के बारे में भी बताया हुआ है, तो वो जरूर आपसे बता सकते हैं. तो सेकंड देखिए टॉपिक पे आ जाएं, सेकंड क्या है हमारा, सेकंड यही है कि नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड. डिस्क्रिमिनेटेड का मतलब समझ रहे हैं, भेदभाव. डिस्क्रिमिनेटेड का मतलब होता है भेदभाव, है ना, कह रहे भाई आप हाई कास्ट हो, हम लोअर कास्ट हैं, ये पुअर है, ये रिच है, अरे आप मेल हो, ये फीमेल है, है ना, ये सारा डिस्क्रिमिनेशन में आता है. तो डिस्क्रिमिनेशन क्या होगा, नहीं होगा. अंगेस्ट ऑन बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, है ना, बर्थ को लेकर भी हो जाता है, प्लेस ऑफ बर्थ को लेकर भी, अरे आपका जो बर्थ है वो तो इंडिया में हुआ ही नहीं है, लेकिन उसके पेरेंट्स तो हैं यहाँ के, इंडिया के ना, उसके पेरेंट्स तो इंडिया के हैं, इसलिए उसको भी उसी तरह से राइट्स मिलते हैं. तो बर्थ को लेकर भी हो जाता है ना, और विदर दे आर फीमेल और मेल, मेल और फीमेल को लेकर हो जाता है. बहुत से मेल ये समझते हैं कि फीमेल क्या होती है, काम करने में क्या होती है, वीक होती है, दे आर वीकर टू डू एनी वर्क, है ना. मेल सपोज क्या सपोज करते हैं कि वी आर स्ट्रॉन्गर, है ना, हम लोग स्ट्रॉन्गर है देन द फीमेल, बट इट इज नॉट राइट, यू नो. एवरी थर्ड देखिए, थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड इसमें भी अंडरलाइन करेंगे कि एवरी पर्सन हैज एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है कि एवरी पर्सन हैज एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस. देखो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में अगर किस तरह से आप समझेंगे कि हमें इक्वालिटी मिली है, तो पहला पॉइंट फर्स्ट वाला समझ लीजिए, सेकंड वाला समझ लीजिए, थर्ड, ये सारी बातें आपके कॉन्स्टिट्यूशन में है, इसलिए दिए गई हैं कि अगर कोई बात नहीं मानता है तो आप उसको बता सकते हैं कि भैया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा है, है ना. तो देखेंगे इसमें
ऑल पर्सन कैन यूज पब्लिक, देखिए इसमें सॉरी यहाँ से दिया है एवरी पर्सन हैज एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस, यानी ऑल पब्लिक प्लेसेस होंगे वो एक्सेस किए जाएंगे, यूज किए जाएंगे ऑल पर्सन के थ्रू, ठीक है ना, इंक्लूडिंग उसमें चाहे हो प्ले ग्राउंड हो, खेल का मैदान हो, होटल्स हो, शॉप्स हो, मार्केट हो, कुछ भी हो, आप कहीं भी जा सकते हैं। बताइए आप लोग वहां जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं? कोई प्ले ग्राउंड है, अगर कोई वहां क्रिकेट खेल रहा है तो क्या आप लोग अपना खेल उधर खेल नहीं सकते हैं? खेल सकते हैं, है ना, प्ले ग्राउंड सभी के लिए है। अगर कोई प्ले ग्राउंड ऐसा हो जाए कि नहीं नहीं ये प्ले ग्राउंड केवल हिंदू रिलीजन के लिए है, मुस्लिम रिलीजन के लिए नहीं है, तो फिर यहाँ पर क्या हो गया, इक्वलिटी हुई क्या? इक्वलिटी नहीं हुई, है ना, इक्वलिटी ब्रेक हो गई यहाँ पर, है ना। अगर किसी होटल में हो जाए कि यहाँ पर ये मुस्लिम का होटल है, यहाँ पर हिंदू नहीं जा सकते हैं, तो क्या यहाँ पर इक्वलिटी हुई? नहीं हुई इक्वलिटी। क्या है टॉप में कह रही कि नहीं यहाँ पर केवल जैन जो रिलीजन के हैं, जैन समुदाय के लोग हैं वही आ सकते हैं टॉप में, बाकी लोग नहीं आ सकते हैं, तो क्या यहाँ पर इक्वलिटी हुई? नहीं हुई। बट ऐसा नहीं है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर रहा है, कह रहा है एवरी पर्सन हैज एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस। पब्लिक प्लेसेस, पब्लिक प्लेसेस का मतलब जैसे आप आगे इसमें दिया है ऑल पर्सन कैन यूज पब्लिक अवेलेबल वेल्स, जैसे कुएं होते हैं ना वेल्स, गांव में पहले हैंडपंप नहीं होते थे, ऐसा सप्लाई वाला पानी की व्यवस्था भी नहीं होती थी, लोग वेल से ही पानी लेते थे, कुओं से ही, है ना, एक बाल्टी होती है उसमें रस्सी लगा के नीचे डालते हैं फिर पानी, देखा है कभी आप लोगों ने? नहीं देखा होगा, उस लोग देखे भी नहीं होंगे कि हाँ ऐसा भी पानी निकाला जाता है, जो लोग गांव आते जाते होंगे वो लोग तो जरूर देखे होंगे, है ना। रोड, अब कोई कह दे कि नहीं नहीं ये तो रोड मेरे लिए बनी है भाई, इस रोड पे तो मैं चलूंगा, मेरी कार चलेगी इस रोड पे, है ना, हमारे मोहल्ले की जितनी भी गाड़ियां हैं वो इस रोड से जाएंगी, बाकी दूसरे मोहल्ले की जो गाड़ियां हैं वो इस रोड से नहीं जाएंगी, है ना, ऐसा कोई कह सकता है क्या? है ना, नहीं कह सकता। और अगर ऐसा किसी ने कहा और प्रयास भी किया तो उसके लिए फिर क्या है, पुलिस है ना, वो आपको बताएगी किस रास्ते से जाना है ना। एंड बेथिंग घाट, बेथिंग घाट का मतलब है कि आप किसी भी घाट में स्नान कर सकते हैं, जैसे राम घाट है, राम घाट में जाइए तो चाहे जो भी जाइए, वहां कोई पूछता है क्या, कोई आपसे पूछता है राम घाट में कि भाई आप कौन है, हिंदू है कि मुस्लिम है कि क्रिश्चियन है कि जैन है, कोई पूछता है आपसे क्या, किस कास्ट के हैं, ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है, कोई पूछता है? जाते हैं बढ़िया फटाफट डुबकी लगाते हैं, दर्शन करते हैं, चले आते हैं, कोई नहीं पूछता आपसे। इसका मतलब क्या है, इक्वालिटी है, इसका मतलब क्या है, इक्वालिटी है आपकी कंट्री में, ठीक है ना, तभी तो कोई नहीं पूछता है ना, इक्वालिटी होती तो फिर वहां पर कुछ लोग बैठे होते हैं ना लाठी डंडा लेके ऐसे बैठे होते, कौन हो भाई कहां से आए हो, है ना, पूछते आपसे। बट देयर वर नो पर्सन देयर, है ना, टू चेक योर आइडेंटिटी, इट शोज दैट हियर इज इक्वालिटी, है ना, और कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द इक्वालिटी। मैं आपको बेसिक लेवल से बता रहा हूं, मैं बार बार ये चीज कह रहा हूं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट में आप देख पा रहे हैं वेल्थ रोड्स एंड बेथिंग घाट। फोर्थ, अनटचेबिलिटी हैज बीन अबॉलिश्ड, और लास्ट पॉइंट दिया गया है आपका, अनटचेबिलिटी हैज बीन अबॉलिश्ड। ये आर्टिकल 17 आपको मैंने बताया, आर्टिकल 14 से 18 तक, तो आर्टिकल 17 में क्या है, यही तो है, अनटचेबिलिटी हैज बीन अबॉलिश्ड। इसको भी आप नोट कर लीजिए साइड में कि दैट विल बी explained in Article 17. Article 17 में दिया गया है untouchability has been abolished. Untouchability समझ रहे हैं, छुआछूत, पहले लोग कोई छू गया, है ना, टच हो गया तो समझ लेते थे कि अरे अब तो हम अपवित्र हो गए हैं, अब है ना, अब हमें फिर से नहाना पड़ेगा, है ना, फिर से, तो ये सारी चीजें अब क्या, इसको abolish कर दिया गया है। मतलब अगर अगर किसी ने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया भी ना, तो अगर आपने उसके खिलाफ कंप्लेन कर दिया तो वो व्यक्ति जेल में चला जाएगा, और फिर तो जेल में तो पुलिस, फिर पुलिस उसको टच करेगी, है ना। तो आप ये कह सकते हैं कि कितना आपको फंडामेंटल राइट्स में आपको दिया गया है, ठीक है ना, अनटचेबिलिटी हैज बीन एबॉलिश्ड, उसको याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, दैट विल बी डिस्क्राइब्ड इन आर्टिकल 17, आपकी बुक में नहीं दिया गया हालांकि। द टू वेज इन विच गवर्नमेंट हैज ट्राई टू इम्प्लीमेंट द इक्वालिटी, और दो रास्ते क्या है इक्वालिटी के, दैट इज गारंटीड इन द कॉन्स्टिट्यूशन आपके। अब टू वेज इन विच गवर्नमेंट, अब देखिए शासन सरकार किस तरह से आपकी गारंटी ले रही है इक्वालिटी की, इक्वालिटी को इम्प्लीमेंट करने की गारंटी किस तरह से ले रही है, वो तो आपके, ये जो आपने पढ़ा ये तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन में है, नोट कर लीजिएगा, ये तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। बट यहाँ से क्या है, अब कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई बातों को कौन इम्प्लीमेंट करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ी इम्प्लीमेंट करने आएगा, गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करेगी ना। तो देखिए टू वेज में दिए गए हैं, दिया गया है टू इम्प्लीमेंट द इक्वालिटी दैट इज गारंटीड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट क्या है, टू द लॉ, थ्रू द लॉ, कानून बनाएगी गवर्नमेंट, क्या करेगी, कानून, लॉ, एंड
सेकेंड थ्रू द गवर्नमेंट प्रोग्राम, और सेकेंड क्या होगा, थ्रू गवर्नमेंट प्रोग्राम और स्कीम ये बनेंगे। तो गवर्नमेंट के द्वारा टू काम किए जा रहे हैं, पहला तो गवर्नमेंट कानून बना रही है, लोग सभी लोगों के लिए कानून इक्वल बनेंगे तो लोगों को पता चलेगा अच्छा अच्छा इसमें लॉ बना हुआ है ये काम नहीं करना है। दूसरा, कानून बनाने के साथ में गवर्नमेंट नए नए प्रोग्राम्स भी बनाती है, प्रोग्राम से मतलब तैयारी करती है, कोई योजना बनाती है जिससे सभी वर्ग के लोगों को क्या मिल सके, उसका लाभ मिल सके। प्रोग्राम और स्कीम तो ये भी आप दोनों अंडरलाइन कर लेंगे कि फर्स्ट तो हमारा लॉ हो गया, सेकेंड हो गया थ्रू गवर्नमेंट प्रोग्राम्स और स्कीम टू हेल्प डिसएडवांटेज कम्युनिटी, यानी जिस कम्युनिटी जिस समुदाय को कुछ नहीं मिल पा रहा है उनके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, प्रोग्राम बना रही है। जैसे कि स्कूलों में आपने देखा होगा मिड डे मील का नाम सुना होगा, स्कूलों में आपने किसका नाम सुना होगा, मिड डे मील का नाम। पहले मिड डे मील का मतलब होता है कि प्राइमरी जो गवर्नमेंटेड स्कूल होते हैं ना वहाँ के बच्चों को भोजन भी कराया जाता है, वहाँ के बच्चों को भोजन भी कराया जाता है, मिड डे मील मतलब दोपहर का भोजन उनको कराया जाता है, ठीक है। तो इससे जो गरीब बच्चे होते थे पहले भूख के मारे उनको उनका पढ़ाई में मन ही नहीं लगता था, बहुत सारे बच्चे स्कूल ही नहीं आते थे, है ना। तो जब से मिड डे मील स्कीम चलाई गई गवर्नमेंट के द्वारा तब से सारे बच्चे कम से कम भोजन के लिए ही सही स्कूल आने लगते हैं, है ना, उनकी अटेंडेंस हो जाती है इस तरह से, और बाकी सारी चीजें भी समस्याओं का भी, है ना, और नाश्ता भी मिलेगा। तो सबसे पहले मिड डे मील स्कीम सबसे पहले कहां से लॉन्च की गई थी, तमिलनाडु से। सबसे पहले कहां लॉन्च की गई थी, तमिलनाडु से। तमिलनाडु में सबसे पहले मिड डे मील स्कीम लॉन्च की गई और 2001 से फिर सुप्रीम कोर्ट ने सभी स्टेट को आदेश दिया कि मिड डे मील स्कीम जितने भी गवर्नमेंटेड स्कूल हैं प्राइमरी के वहां पर लॉन्च की जाए। आपके चैप्टर में है हालांकि, उसको हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे, ठीक है ना, नेक्स्ट डे हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो यहीं से हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट पैराग्राफ हमारा यहीं से होगा, ऑन वन ऑफ द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट इंक्लूड मिड डे मील स्कीम। ये देखिए दिया भी है आपकी बुक में, वन ऑफ द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट इंक्लूड मिड डे मील स्कीम, है ना। यही चीज तो आपने पढ़ा था यहाँ पे, गवर्नमेंट क्या करती है, स्कीम बनाती है, ठीक है। थैंक यू फॉर टुडे क्लास। कोई क्वेश्चन दिमाग में हो तो आप लोग फटाफट पूछ लीजिए मुझसे, अदरवाइज से क्लास को एंड करते हैं। यू कैन स्पीक नाउ। थैंक यू फॉर टीचिंग अस सर। ओके ओके ओके। मिड डे मील स्कीम सबसे पहले तो मैं नंबर क्या है, तमिलनाडु में। देखिए होमवर्क आपका, जब भी हम जैसे होमवर्क आपको नहीं बताते इसका मतलब ये होता है कि आप जो स्टडी आज किए हैं केवल उतना ही वीडियो आपको बुक ले लेना है और साथ में मोबाइल ले लेना है, अपना वीडियो ऑन कर लेना है और फिर उसको एक बार रिवाइज करते जाना है, पढ़ते जाना है, बुक को रीडिंग करते जाना है, अंडरलाइन करते जाना है। आपको जो इम्पोर्टेंट लग रहा है आप उसको भी बुक में अंडरलाइन करिए, ठीक है ना। और yes, आपको आज या कल तक में क्वेश्चन आंसर, कल तो संडे है, मंडे तक में आपको कुछ क्वेश्चन आंसर भेज दिए जाएंगे सिविक्स के, तो आप लोग उसको भी अपनी मेन कॉपी में, फेयर कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। Yes, sir. Thank you, sir.